हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लियर आरएएस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 5। ओके, तो चार मुद्दे आज के लिए हम देखेंगे। पहला है मराकेश संधि, और दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, और तीसरा जोनल काउंसिल, और चौथा है ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और करंट के थे, इसीलिए मैंने आपके लिए डाल दिए। तो पहला वाला हम लोग शुरू करते हैं, मराकेश संधि। ये क्या है मराकेश संधि? मराकेश जो है ना, एक मोरक्को में एक जगह है। कहां पे? मोरक्को में। वहां पे ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ये संधि क्यों हुई, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके दो दो नंबर के सारे सारे। इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोरक्को में। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे हम, ये जो संधि है वो 2013 में हुई है, तो 2013 में, और जो लागू हुई है ना वो 2016 में लागू हुई है। ओके, किससे संबंधित है ये? संबंधित है कॉपीराइट से। ओके, अब कॉपीराइट किसका है, क्या है, वो बताता हूं। क्या होता है ना कि जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, अर्थात जिनको दृष्टि बाधित लोग जिनको कहते हैं, या फिर जो हमारी राष्ट्र की भाषा हम कहें तो जो दिव्यांग जो है, दिव्यांग हिंदी और इंग्लिश में सेम है। ठीक है, दिव्यांगी, और दिव्यांग कौन से? जो आई से, आंख से, ब्लाइंड ऑफ आईस। ओके, उन लोगों के लिए है ये। वो उन लोगों के लिए जो भी मटेरियल रहेगा, जो पढ़ाई से संबंधित जो भी मैटर है या फिर साहित्य जो है, वो सभी उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, और यदि कोई उसकी कॉपी करता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट की गई, जितनी भी संस्थाएं या फिर जितने भी राइटर्स अपनी बुक्स प्रकाशित कर रहे हैं, वो सभी ब्रेल लिपि में भी प्रकाशित करें। ओके, इस संधि का मुख्य उद्देश्य था ब्रेल लिपि में जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन हैं उन लोगों के लिए भी मटेरियल अवेलेबल रहना चाहिए। और यदि नहीं है, और यदि उसका कोई भी राष्ट्र या फिर कोई भी व्यक्ति यदि उसका सेम डिटो यदि कॉपी बनाता है, तो उसको कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके, सबसे बड़ी इस संधि की बात यह है कि इस संधि के लिए सबसे ज्यादा जो जोर देने वाला जो देश था वो भारत था, अपना राष्ट्र। ओके, ये आपको लिख देना है, दो नंबर के लिए पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं। ये जो है वो पेपर नंबर 3 का और थर्ड पार्ट, जिसमें अलग से दिया हुआ चैप्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, बौद्धिक संपदा अधिकार, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लागू हुई है, इसलिए मैंने आपको 2016 में लागू हो गई थी हालांकि, लेकिन अभी इसको ईयू ने मान्यता दी एक्चुअली, इसलिए ये करंट में आया। हाल ही में इसको ईयू ने मान्यता दे दी है। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं हम लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है ये मामला, हर किसी ने सुना होगा, एक्सक्यूज मी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 123 देश आते हैं। कौन से देश आते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो देश आते हैं उनके लिए। ये क्यों आया? इसका जो लाने का उद्देश्य था, ये पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, और इसको जो इसकी शुरुआत की गई थी इस अलायंस की, वो 26 जनवरी के दिन की गई थी, 26 जनवरी 2016 के दिन। ओके, किसके सहयोग से? भारत और फ्रांस के सहयोग से। मिस्टर ओलन जो है, जो 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट बने थे, तो उस दिन भारत ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? गुरुग्राम में। अब बात यह है सर, आज क्यों पढ़ रहे हैं इसको? 123 देश हैं इसके सदस्य। ठीक है, काम की बात यह है कि हाल ही में भारत ने घोषणा की कि जो देश इस 123 के बीच में नहीं आते, जैसे यूएसए का, यूएसए तो चलो आता, ठीक है, कनाडा की बात करते हैं हम, कनाडा नहीं आता, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज काफी नहीं आती, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, वो कंट्रीज, कई कंट्रीज इसमें नहीं आती हैं। लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग फाइनेंशियली काफी डेवलप्ड हैं और टेक्निकली भी वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो ये लोग भी यहां मदद कर सकते हैं इसमें आकर के, ये लोग भी इसका सदस्य बन सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो उद्देश्य है वो जल्दी पूरा होगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो विकसित देश जो हैं, या फिर हम कहें कि विकासशील और अल्प विकसित देश जो हैं, विकासशील का मतलब डेवलपिंग और अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उनके लिए वित्त और तकनीकी सहायता प्रोवाइड की जाए, उनके बीच में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपस में बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, जिससे
हम लोग ज्यादा से ज्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत, और वो ऊर्जा कौन सी है? सोलर ऊर्जा, सोलर, नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ सकें, या फिर हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लो, बहुत पॉइंट्स हैं ये, मोर देन लिमिटेड, इतने लिख दोगे आप नंबर मिल जाएंगे आपके लिए। थर्ड बात करते हैं जोनल काउंसिल क्या होती है। जोनल काउंसिल की जो स्थापना है वो 1956 का जो एक्ट है, कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत हुई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हिंदी में बोलेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी इसकी। ओके, इसके बाद में देखते हैं कितनी जोनल काउंसिल है, फिलहाल वर्तमान में 5 हैं। फिर इसके बाद में, अब भाई इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, 1956 वाला है, तो करंट का क्या इश्यू हुआ है? देखो पहले मैं इसके आपको सदस्य बताता हूं, इसके सदस्य कौन है। इसके सदस्य होते हैं, इसको लीड कौन करता है, चेयरमैन कौन होता है इसका, अध्यक्ष होता है इसका गृहमंत्री। अब कौन सा गृहमंत्री है ये? केंद्रीय गृहमंत्री। मतलब फिलहाल यदि जोनल काउंसिल की मीटिंग होती तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मिस्टर राजनाथ। फिर इसके बाद में इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, देखिए इसका सदस्य होता है सीएम। जोनल काउंसिल के सदस्य कौन कौन होंगे? देखो 5 जोनल काउंसिल हैं टोटल, एक तो नॉर्थ की हो गई, एक साउथ की हो गई, एक वेस्ट की हो गई, एक ईस्ट की हो गई, और एक सेंटर की हो गई। ठीक है, ये 5 हैं। अब पूरे देश को 5 भागों में बांट रखा है, हालांकि 6 काउंसिल हैं टोटल, लेकिन जोनल काउंसिल सिर्फ 5 ही हैं। मैं बताऊंगा कैसे। एक नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई है एक, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आती है, वो लीगल एक्ट के अंदर आती है, 1971 है आई थिंक सो, डेट में कंफर्म नहीं हूं, 1971 ही है शायद। फिर अब इसके सदस्यों की बात कर रहे थे हम, तो सीएम, अब सीएम कौन से होंगे? जैसे नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो नॉर्थ जोन में जितने भी स्टेट्स आते हैं उन सबके सीएम यहां बैठेंगे। ठीक है, सीएम के अलावा में हर स्टेट से, हर स्टेट से मतलब ईच स्टेट से 2 मंत्री, जिनको कौन नामित करेगा? गवर्नर, राज्यपाल करेगा। ओके, ये हो गया। प्लस इसके अलावा में और कौन होगा? ये तो क्या हो गए, इसके परमानेंट वाले हो गए। इसके अलावा में इसके कुछ सलाहकार भी होते हैं। अब सलाहकार में कौन कौन आता है? एक तो नीति आयोग का सदस्य आते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष, प्लस ये इधर मुख्य सचिव, प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव। ठीक है, ये इनके सदस्य होते हैं। हाँ, और एक और चीज रह गई, यदि इसमें यदि कोई भी यदि केंद्र शासित प्रदेश और आता है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश से 2 लोग आते हैं। ओके, 2 लोग किससे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। यूनियन टेरिटरी से 2 persons विल बी इनवाइटेड। हैं, जोनल काउंसिल का उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि भाई क्या उद्देश्य है इसका? कॉपरेशन को बढ़ाना अपने जोन में। ओके, सब सीएम मिल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, नीति आयोग मिल रहा है और मुख्य सचिव भी मिल रहे हैं, कैसे भी करके हमारे जोन में शांति बनी रहे और अच्छे से कॉपरेशन हो। कॉपरेशन कौन सा होगा? चाहे तो वो हो सकता है आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, इस कॉपरेशन को बढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया जोनल काउंसिल क्या होती है। इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष को ऐड किया गया है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए करंट का बन जाता है। पहले नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं थे, पहले कौन था? योजना आयोग हुआ करता था, इसलिए आई टोल्ड यू। ओके, अब आती बात ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं। भाई बॉन्ड बहुत तरीके के पड़े, लेकिन ब्लू बॉन्ड पहली बार सुन रहे होंगे। ब्लू बॉन्ड है, नाम से पता चल रहा होगा, ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला, सुना होगा ना, ब्लू है पानी, पानी तो वही वाला नीला आई है। ठीक है, तो अब ये बात हो रही है यहाँ पे समुद्र की, मरीन मतलब समुद्र की बात हो रही है। सेशल्स नाम का एक देश है, उसने क्या किया है? ब्लू बॉन्ड जारी किए। किसने? सेशल्स ने। इसने क्या किया है? ब्लू बॉन्ड जारी किए। आई थिंक इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसा ही, आप देख लीजिएगा एक बार। तो अब ये क्या करेगा ब्लू बॉन्ड से, कि ये बॉन्ड किसी भी कंट्री के लोगों के लिए देगा, और बदले में क्या क्या मिलेगा इसको? जो फाइनेंस मिलेगा, जो फाइनेंस मिलेगा बदले में, जो पैसे मिलेंगे वो किस में लगा सकता है ये? सिर्फ या तो मत्स्य क्षेत्र, जो फिशरीज जो है उसके डेवलपमेंट में लगा सकता है, या फिर क्या कर सकता है? जो समुद्री जैव विविधता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी, या फिर मरीन इकोलॉजी,
मतलब समुद्री पर्यावरण इसके संरक्षण में काम में लेगा। अब क्यों भाई ये यही क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो सेसल्स जो है ना एक आइलैंड कंट्री है ऐसे करके, और चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, तो ये द्वीप होने के कारण इसको क्या, इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो चलाने का तरीका है वो क्या है, एक तो टूरिज्म हो सकता है, जहाँ पानी होता है लोग, जहाँ समुद्र होता है बीचेस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से कमाई होती है, और दूसरा फिर क्या होता है फिशरीज होती है, मत्स्य से करते हैं लोग, मछुआरे वगैरह जो पैसा कमाते हैं इससे ये लोग अपना गुजारा करते हैं, तो इसलिए ये नहीं चाहते कि जो हमारे आसपास का जो मरीन डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो, और ना ही वो, और वो साथ में क्या चाहते हैं कि हमारा जो मत्स्य क्षेत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो ब्लू बॉन्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, सेसल्स द्वारा जारी किए गए वे बॉन्ड जो अन्य देशों में सेसल्स द्वारा जारी किए जाएंगे, और बदले में उनका उपयोग किस लिए किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा। हाल ही में जारी किए नए बॉन्ड से ध्यान में रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो ये हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 करंट के लिए। इसके बाद में हम लेक्चर नंबर 6-7 ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। साथ ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये भी बताइए कि सर करंट में आप इस वाले इश्यू को डिस्कस करा दीजिए, मुझे आप कमेंट्स में लिख के दीजिए कि सर इस वाले इश्यू को डिस्कस करा दो, तो हो सकता है यदि वो मुझे लगे कि यार हाँ यार ये भी एक करंट का अच्छा इश्यू है और इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, देन वी विल डू दैट ऑल्सो, है ना। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, इससे क्या है आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड, तुम लोग यदि करोगे तो, नहीं तो फिर तो क्या है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो मैं ही चल रहा हूँ आगे आगे, आप भी थोड़ा मुझे कॉपरेट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।